हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का जब एग्जाम होगी फाइनल एग्जाम 2024 में, तो सारा का सारा सब्जेक्ट का आप लोगों का सिलेबस पूछे जाएंगे, चाहे वो आप लोगों का ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। याद रखिएगा, दो ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोगों का सिलेबस से तो 50% पूछे जाएंगे, विदाउट सिलेबस से 50% पूछे जाएंगे। आज मैं आप लोगों के सामने प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहे, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने उस दोस्तों को शेयर करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है और क्लास 11 से रिलेटेड है। उन लोगों को थोड़ा सा भी पता होना चाहिए कि हम लोगों का जब एग्जाम होगी किसका बोलेंगे सर, हिंदी इलेक्टिव का और हिंदी कोर का, यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक एक सेंटेंस लेकर आया हूँ, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है, फिर आप लोग बाद में सेट हो या दुनिया का कोई भी चीज हो, सफलता के लिए पहला होना चाहिए मेहनत। सफलता के लिए पहला डायरेक्शन होना चाहिए मेहनत। क्या होना चाहिए? मेहनत। दोनों याद रखिएगा मेरे प्यारे, मेहनत सबसे पहले जरूरी है कोई भी चीज को हासिल करना, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो जॉब हो, दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, उसमें सबसे पहले चाहिए आपको मेहनत। क्या चाहिए? मेहनत। दूसरा नंबर पे आता है आप लोगों का, याद रखिएगा, सही दिशा। अगर आपके अंदर में सही दिशा नहीं है तो आप रिजल्ट को हासिल नहीं कर सकते, आप उस जॉब को हासिल नहीं कर सकते, आप उस काम को हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। याद रखिएगा, मैं प्यारे मैं बात कर रहा हूँ, सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दिशा? देखिए, आपको मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आप है और आपके मम्मी ने कहा है कि यहाँ से आपको कुछ सामान लाना, यहाँ पे कोई दुकान है, ठीक है, कोई समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई दुकान है और इधर आपको आपको इधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, पूरा जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं कि आप लोगों का 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। आप यहाँ क्या किए हैं कि आप ना उस दिशा की ओर ना जाके बल्कि आप दूसरा राइट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन को जा रहे हैं, आप पूरा कसरत कर रहे हैं, पूरा कसरत कर रहे हैं, पूरा मेहनत लगा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी हाँप रहे हैं, कभी काँप रहे हैं, पूरा दौड़ रहे हैं, आप तो मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन आपको वो दुकान मिलेगा यहाँ पे? नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप तो मेहनत कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन मेहनत करने के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है ना, वो आता है राइट डायरेक्शन। आपको दुकान नहीं दिखेगा, क्यों पता है? क्योंकि आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा कसरत करते हैं, दौड़ते हैं और डायरेक्ट दुकान पहुंच जाते हैं और दुकान से सामान लाकर आपकी मम्मी को दे देते हैं और आप इधर दौड़ते रह जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका जीवन में पहला, आप तो मेहनत कर ही रहोगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आता है आपके जीवन में, क्या पता है? राइट डायरेक्शन। और रखिएगा, दोनों का एडिंग हो जाए तो यहाँ पे हम लोग का बनता है क्या? रिजल्ट। क्या बनता है? रिजल्ट। याद रखिए, रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनने के बाद आपके पास तो रिजल्ट की बड़े मजा आएगा, लेकिन दोनों का होना बहुत जरूरी है। मेहनत कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए। जो अब मैं बात कर रहा हूँ सर, हिंदी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, यहाँ पे आप तो बात किए सर अभी कि 50% सिलेबस आप लोगों का बुक से पूछे जाएंगे। कहाँ से? 50% जो है, याद रखिए, 50% क्वेश्चन आप लोगों का बुक से पूछे जाएंगे। और सर ये गलत बात क्यों बता रहे हैं? और 50% कहाँ से पूछे जाते हैं? याद रखिएगा, आउट ऑफ सिलेबस। याद रखिएगा मेरे प्यारे, आप सोचिएगा सर आउट ऑफ सिलेबस क्यों है, क्यों ऐसा बताएं सर आउट ऑफ सिलेबस? चलिए मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए, सिलेबस से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होगी जो आपको अंदाजा नहीं लग सकता है कि क्या पूछे जाएंगे क्या नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, मोहनजोदड़ो के नगर पालिका की व्यवस्था है, सब कुछ आपको पता है, आप वहां से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए कि इसी चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको अगवा कर रहे हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं बताया जाए तो आपको आप याद कर सकते हैं? नहीं। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? तो हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। आप जब मेरे पास पेपर देखेंगे ना, अब हम पूरा पेपर लेकर आए हैं, देखिए 21 लिए लाए हैं, आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 तक सारा का सारा पेपर है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा चीज आप इजिली से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हम यूनिवर्सिटी के टीचर से मैंने उसे कनेक्ट करके लाए, बस आप लोगों को लिए मेरे प्यारे, आप लोगों के लिए जो मेहनत करें बस वो आप लोग रिजल्ट देकर दिखाएं। बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे ताकि आप लोग पढ़े लिखे, ठीक है। इतना सारा 2019-2020 चार साल का पेपर में आप लोगों को ऑलरेडी मैं लेकर आया हूँ, सारा का सारा चीज़ आप लोगों को जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।
अब देखिए मैं बात कर रहा था किसके बारे में, तो हिंदी को इलेक्टिव के बारे में। समझिए सर आउट ऑफ सिलेबस ऐसे क्यों कहा। देखिए अब जब हिंदी इलेक्टिव का जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे या हिंदी कोर का, तो सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, चार सेक्शन मिलेगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आउट ऑफ सिलेबस होगा। जो पढ़े हैं वो भी उसका आंसर कर सकता है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी आंसर कर सकता है। समझिएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं पहले। अब मैं बात करता हूं सेक्शन ए के बारे में, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए की जब मैं बात करूं, जो मैं आप लोगों का मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। मैं सबसे पहले टर्म वन एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, टर्म वन, इधर मैं लिख रहा हूं टर्म टू, टर्म टू बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में बता रहा हूं मेरे प्यारे, समझिए क्योंकि आप लोग रोते रह जाएंगे कि समझ में नहीं आने वाला है। एक से चार नंबर, यानी एक से चार नंबर आप पैसेज को अगर पढ़ लेंगे ना, तो चारों का चारों क्वेश्चन को आप इजीली से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। यस या नो, चारों का चारों क्वेश्चन को आप यहां पे इजीली से आप सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप कैसा भी स्टूडेंट हो, कितना भी नॉर्मल स्टूडेंट क्यों ना हो, आप चारों का चारों क्वेश्चन को आप यहां पे इजीली से सॉल्व कर लेंगे। अब जब दूसरा पारे में बात करते हैं दूसरा पैसेज का, तो ये पैसेज आप ही सॉल्व कर लेंगे। ये पैसेज पांच से लेकर आठ तक सॉल्व करना है। पैसेज में ना मान कर चल रहा हूं मेरे प्यारे, याद रखिएगा पैसेज में आपका आठ मार्क्स का आएगा। कहां पे? तो टर्म वन में पैसेज आठ मार्क्स का आएगा। ये तो आपका सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में तो बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव, सॉरी आप लोगों का सिलेबस में बताया गया है कि पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि यही सारांश से उठा कर देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। सारांश से कुछ भी वो पूछ सकता है। बात करें सर हम लोग सेक्शन बी की, आप समझिए सेक्शन बी हम लोग क्या बात करेंगे। तो सेक्शन बी में जब मैं लेकर चलूं, तो सेक्शन बी में आएगा आप लोगों का रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी लिटरेचर पार्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, वो आप लोगों का लिटरेचर पार्ट होगा। अब देखिए बार बार कमेंट करते हैं ना कि सर हम लोगों को हिंदी इलेक्टिव में क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा रहे। समझिए कितना क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आता है, कितना मार्क्स का आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं। जब मैं बात करूँ 18 नंबर में बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा 18 नंबर जब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा टोटल आप लोगों का 18 नंबर, यानी 40 में से आप लोगों का याद रखिएगा कितना, 40 में से 18 मार्क्स का जो है एग्जाम आप लोगों का टर्म वन में सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस। याद रखिएगा सिलेबस से आउट नहीं है, मैं बार बार इसलिए सिलेबस से आउट बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका बुक नंबर वन और बुक नंबर टू, यानी आपका जो बुक है हिंदी का उसमें दोनों बुक में यहाँ नहीं है, ठीक है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे, समझिएगा सेक्शन सी का, सेक्शन सी जब पढ़ेंगे तो ये आपका सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कहाँ से? तो कविता से। कहाँ से? कविता से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं कविता अगर आप पढ़े होंगे तभी इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप जितना मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे और आपको कविता के बारे में नहीं पता, ये कविता जो आपसे पूछे गए, तो फिर इसका आंसर नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड इसी चार पांच सेंटेंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ अगला सेंटेंस, अब अगला सेंटेंस जो ये देखिए आपका बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक से तो व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं वो इजीली से कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपसे पूछे जाएंगे चार मार्क्स का, 28, 29, 30, 31 पैसेज से, ये जो है ना चार मार्क्स का पैसेज से, और पैसेज से पूछे जाएंगे मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, यानी टोटल में बात करूँ तो 22 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजिली से सॉल्व कर सकते हैं आप अच्छी तरह से अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे। 22 मार्क्स का विदाउट बुक का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्क कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। चलिए पैसेज आते हैं सर, 6 मार्क्स का पैसेज आ गया, 6 मार्क्स का। अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन बी की ओर, सेक्शन बी में आपसे पूछे जाएंगे लिटरेचर पार्ट से, और लिटरेचर पार्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे रचनात्मक लेखन कला से। देखिए आपसे पूछा किन्हीं में से, इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें आपसे पूछे गए हैं किसके बारे में, समझिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंदी हो या इंग्लिश। समझिए लोकतंत्र में चुनाव के बारे में आपको लिखना है, महंगाई से प्रभावित आम जनजीवन के विषय में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, एक रिपोर्टर को बताइए आपको किस तरह से फील हो रहा है किसके बारे में, तो बोलेंगे सर हम लोगों का फील हो रहा है महंगाई के बारे में जो अभी जूझ रहे हैं आप लोग, है ना। इन तीनों में से दो क्वेश्चन का आंसर करना है और आपको मिलेगा दो क्वेश्चन में 10 मार्क्स, 5-5 मार्क्स का 10 मार्क्स यहाँ पे आपको इजिली से मिल जाएगी, ठीक है। जब मैं सेक्शन सी की मैं बात करूं तो ये आपसे पूछे जाएंगे कविता सेक्शन से, तो कविता सेक्शन आप बिना पढ़े इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला मैं जब मैं बात करता हूं अगला सेक्शन, ध्यान से देखिए अगला सेक्शन आता है डी सेक्शन, डी सेक्शन से मैं आपसे पूछे जाएंगे कहां से, तो देखिए डी सेक्शन जो होगी ना वो आपसे पूछे जाएंगे जो आपका छोटा सा बुक है जहां चार चैप्टर दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा काउंट करते हैं, यहाँ पे आप लोगों का हो गया 16 और यहाँ पे हो गया 22 अंक, जब दोनों को काउंट करेंगे तो सर हम लोगों का आएगा लगभग 38 कितना आएगा 38 मार्क्स इन 100 में, याद रखिए सॉरी 80 में, 80 मार्क्स में, समझिए मेरे प्यारे 80 मार्क्स में आप लोगों के पास टोटल 38 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस होगा।
आउट ऑफ सिलेबस मतलब बुक से आउट होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब समझिए 38 क्वेश्चन ऐसा होगा, 38 नंबर ऐसा मार्क्स होगा, 38 मार्क्स ऐसे होगी जो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान से स्टडी करना होगा लिटरेचर पार्ट को। लिटरेचर पार्ट में कुछ भी पूछा सकता है। देखिए 2023 का पेपर में दिखा, यहाँ पे लोकतांत्रिक बारे में पूछा गया और महंगाई के बारे में। जब मैं 2022 का पेपर आज देख रहे थे, 2022-2021 का पेपर, तो वहाँ पे आपसे पूछे गए थे ना नारी शक्ति के बारे में। उसके बाद कंप्यूटर की महत्ता क्या है आप एक स्टूडेंट के जीवन में, वो पूछे गए थे 2021 के पेपर में। तो देखिए इसका कोई सिलेबस नहीं है, किसका, लिटरेचर पार्ट का, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे आप लोग, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सारा का सारा चीज आप लोग में, जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम से एक दिन पहले, जब आप लोगों को ब्लूप्रिंट का एग्जाम होता है एक दिन पहले, मैंने आपको सारा चीज बता देता हूँ। ठीक इसी तरह से मेरे प्यारे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, बस मेरे बताने का इतना मकसद है कि क्वेश्चन पेपर में ज्यादा ध्यान देने से बेटर है। देखिए ध्यान तो देना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो आपको लिटरेचर सेक्शन में ध्यान दीजिए, आपके लिए बेटर होगा। लिटरेचर पार्ट में इसलिए ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना तो क्वेश्चन आंसर जो पढ़ रहे हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन लिटरेचर पार्ट में ऐसा नहीं है। तो आशा करते हैं ट्यूशन कि आपको हिंदी इलेक्टिव वाला समझ में आ गया होगा, और हिंदी कोर में भी टू कॉपी ऐसा ही है। क्या है, हिंदी कोर में भी टू कॉपी ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। हिंदी कोर जो है, आप लोग जो भी बंदा लिए हैं आप लोग टेंशन ना लिए, हिंदी कोर और भी ईजी है, हिंदी इलेक्टिव से हिंदी कोर और भी ईजी है, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको हिंदी के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हमारे टीम लगे हुए हैं, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो लोग दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले मैं लिटरेचर पार्ट में आप लोग का हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर में जो हम लोग हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं मिसाल क्लासेस के, उनको सबसे पहले बताऊंगा लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट मतलब होता है कि संपादक से कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगी, उसके बाद आपको बताएंगे महंगाई, निबंध लेखन से बताएंगे, इस सबके बारे में हम एयर टीचर आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है, मिलते हैं।